आगे बढ़िएगा यार। मेरा मेहमान इधर बोल दे रहे हैं, हम रूरा से बाइट ले बाइट उठने के लिए। बोलो जो मने जो मतलब घटना घटा है उसके विषय में हम यह बोलना चाहते हैं कि हम ज्यादा नहीं हम अपने भाई को इलाज कराने के लिए पिछले दिन उसका नानी भी गहना दिए था और उसका मामी भी और मामा भी, ठीक नू। और हम लोग आप बने क्या कहे, दुख की बात है। एक मेरा भगनी थी जो हम लोग प्यार दुलार से उसको हम गहना बनाए थे और शादी में भी हम लोग गहने के तैयार। इसको जो है कि नहीं आपसे बात घुसा है वो लोग उठा ताला टूटा नहीं है, ताला तोड़ने का प्रयास नहीं किया गया। ये सब देखिए जाए, ये मेरा बहन है, मेरा मरे घर हुआ, पता चला है कि मेरा बहन के पूरा संपत्ति चल गया, तो हमने अपने भाई के बहन के दाहे अपनाए हैं और सारे जेवर जितना भी संपत्ति था यही अपना लॉकर खोल के जो भी सामान मिला वो अपना झोला में कसा चले गए। ये भी लॉकर मैंने प्रयास कीटा में टूटा नहीं, है कि स्थल पर जाके हमने पूरा जो भी संपत्ति और जेवर हर कमरा में घुसकर और अपना अपना जो मेन जो संपत्ति है गहना और पैसा वह झोला में कसा और फरार हो गया। सूचना मिलना पर हम लोग आए हैं, ये भी देखिए ये भी लॉकर तोड़ दिए हुए बढ़िया से हिर हार के सब इधर कपड़ा फेंका हुआ है, इधर ही आपका टंची हो गया, ये सब भी अलमारी उलमारी सब खोल के देखा है, ये सब जितना है इधर भी सब देख देख के नीचे वाला सब ठीक करो, ठीक करो। दिखावत रही कर ली थी सामान वामान वाला। देखा जाए ये भी तुरा हुआ है, इसके भी निकाला हुआ है, ये भी निकाला हुआ है, इसमें भी पैसा कैश था निकालना था, ये भी खत्म है, इसमें भी मेरा भगनी के था, मेरा मनेर घर हुआ, ठीक नू। और दियारा में खास करके दुधैला जो बाढ़ के इलाका है, हमने सुना है कि मेरा भंगनी के और बहन के सारा संपत्ति चोरी हो गया, तो मैं दाह में। क्या घटना घटी है आप लोगों के साथ? घटना तो यही घटी है सर कि हमारे बच्चे का तबीयत खराब हुआ और उसका इलाज के लिए हम लोग मने चले गए, सब परिवार घर में ताला लगा कर अड़बड़ी में जो जैसा था उसी स्थिति में हम लोग निकल चुके थे। तो दो दिन तीन दिन के बाद पता चला मोहल्ले वासियों के द्वारा कि आपके घर में ताला नहीं लगा हुआ है। मैं तुरंत भागे भागे अपने घर पहुंचा, देखा वास्तव में मुख्य दरवाज़ा का ताला तोड़ा हुआ है। जब मैं ऊपर गया तो देखा कि अलमीरा इसी तरह खुला पड़ा है और सारे गाने गुरिये की जो भी उसके बॉक्स है वो इसी तरह खुला छोड़कर फेंका हुआ है और सारा सामान गायब है। उसमें अप्रॉक्स लगभग 20 लाख के आसपास मेरी गाने की चोरी हुई है और 50,000 के आसपास कैश था, ठीक ना। वो सारा चीज़ चोरी हो गया। मैंने पुलिस को फ़ोन किया 112 पर, पुलिस के द्वारा ये ऐसा कहा गया कि आप थाने को संपर्क कीजिए। थाने में जब मैंने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि आप चले जाइए, ऐती आपके यहाँ पेट्रोलिंग पहुँच रही है, उधर ही कार घूम रही है। थोड़ा देर के बाद जब पेट्रोलिंग आया तो पेट्रोलिंग टीम के SI जो थे कामेश्वर सिंह, उनको मैंने सारा स्थिति दिखाया। उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे को देखा, हमारे गोदरेज के अलमीरा को देखा, स्थिति का मैंने पूरा उन्होंने अपने कैमरे में कैद भी किया, फ़ोटो खींचा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि थाना में एक FIR कर दीजिए, ठीक है ना। और उसी से संबंधित मैं अभी FIR करके आ रहा हूँ।
मेरा नाम हाँ, और ऐसा है कि हमारे घर में हमारी एक बच्ची है जिसकी शादी के लिए हम लोग कुछ गाना बनवा कर रखे हुए थे, वो सारा का सारा सामान चोरी हो गया। इस स्थिति में तो मैंने ये कहा जाए कि हम लोग रोड पर आ गए, स्थिति तो यही है, लेकिन किया क्या जा सकता है। अब तो पुलिस जांच का मामला है, जो भी सामने आएगा उसी से पता चलेगा। हमको किसी पर शक नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले वासियों से सबसे मिलत रहता है, सबसे प्रेम है, इसलिए मैं किसी पर कोई शक नहीं कर रहा हूँ। ये जांच का विषय है, जो लोग भी आएंगे सामने वो स्पष्ट पता चलेगा। कब का वारदात है ये? वारदात है कल और परसों के बीच का, हाँ रात में, रात्रि में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन प्रसाद यादव हुआ, मैं भारतीय स्टेट बैंक पटना मुख्य शाखा में कार्यरत हूँ। किस पद पर? वहाँ डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ।